there's still a few who are in fact making a world of a difference with the positivity that they bring to the world. One such person is 29-year-old engineer from Greater Noida, Ramveer Tanwar, who is in fact making a world of a difference by conserving ponds. He has so far conserved over 40 water bodies across various states in the country, and he is continuously making efforts to secure our future by using ancient water conservation methods. मुझे याद है जब मैं बचपन में 7th 8th 9th क्लास तक 10th क्लास तक पढ़ता था तो बहुत सारी घर में भैंसें होती थी उनको तालाब में जाके नहलाना उनके साथ खुद भी नहाना इवन मैंने स्विमिंग खुद अपने गांव के तालाब से और नहर से सीखी है तो लेकिन जब ग्रेजुएशन की तरफ गया तब पता चला कि हम खुद डेवलप होते जा रहे हैं खुद पढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमारे जो वो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं मरते जा रहे हैं तो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज आप देखेंगे यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ आ रही है बीच में आइलैंड में उनके घोंसले बने हुए हैं तो इसको कहीं ना कहीं देख के जो सुकून मिलता है ना तो वो MNC जॉब में मिल रहा था ना वो हाई पेड किस तरह और एक्टिविटीज़ में मिल रहा था पहले चैलेंज था 6-7 महीने तक तो बिल्कुल बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था कि जेब में कोई पैसे नहीं और ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं क्योंकि एक किसान परिवार से आते हैं तो लेकिन बाद में फिर कुछ NGOs का सपोर्ट मिला कॉरपोरेट का सपोर्ट मिला और लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया हमारे इंटेंशन को देखते हुए तो फिर वो धीरे धीरे एक सस्टेनेबल मुहिम बनती चली गई किस तरह से इंश्योर करते हैं कि जो आपने किया है वो उस तरह से बना रहे बिल्कुल देखिए तालाबों को रिवाइव करने के बाद उनको रखरखाव उनका मेंटेन करना या उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों की भी एक कमेटी बनाते हैं गांव के लोगों की जो थोड़े सेंसिटिव है समझदार है प्लस उसके बाद क्या करते हैं उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं गाँव वालों के साथ जिससे कि किसी की इनकम जनरेट हो सके और उस इनकम के एक पार्ट से वो पॉन्ड को मेंटेन रख सके या फिर यूँ कहें कि अगर वो अब मेंटेन नहीं होता है तो उन लोगों का नुकसान हो जैसे इस पॉन्ड में हमने फिश फार्मिंग इंट्रोड्यूस की हुई है तो कुछ लोग फिश फार्मिंग इसमें करते हैं यानी वो फिशेस ले जा सकते हैं चाहे वो बेचने के लिए या खाने के लिए वही बर्ड्स के लिए भी होती है तो अभी क्या अगर ये फिर से गंदा होगा तो उनका नुकसान है फिशेस मर जाएंगी कुछ तालाबों को हमने इको टूरिज्म से भी जोड़ा है कि वहाँ पर अब लोग बोटिंग करने आने लगे हैं अब वो बोटिंग करते हैं तो वो किसी की इनकम जनरेट होती है और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी इनकम ख़त्म हो तो इसलिए वो बिल्कुल मेंटेन और उसको साफ स्वच्छ रखता है ऑब्वियसली आप हर जगह तो एक साथ नहीं हो सकते तो हाउ डू यू कम टू नो सर हमारा एक कैंपेन है #selfiewithpond वो हमने स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मैंने 2018 में अपने ज़िले के लिए वो शुरू किया था बट मुझे नहीं पता था कि वो इतना वायरल हो जाएगा और पूरे देश से लगभग हमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया तो मेरे पास 10,000 तालाबों का एक डेटा कलेक्ट हो गया पॉन्ड्स का पता चलता है फिर उनका विजिट करते हैं उनका एक प्रपोजल बनाते हैं कितना खर्चा आएगा सेल्फ सस्टेनेबल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा गाँव का पानी रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो सारा कैलकुलेशन करके फिर उसको रिवाइव करते हैं तो एक साल लगभग उसमें फिर लगता है रिवाइव करने में As a change maker, Ramveer's story is one such story that is truly inspirational and deserves all the spotlight. So here's your chance to channel that inner citizen journalist in you and associate with Happydent's #MakeADent contest in association with News18 so that you offer that very opportunity to actually throw that spotlight on such people. So what are you waiting for? Take out your cameras, record inspirational stories around you, upload it on our website news18.com/makeadent. What you can also do is go ahead and upload those videos on Instagram, tag Happydent and also CNN News18 using the #MakeADent. And the best part is you also get to win exciting prizes to the tune of 17 lakh rupees. So now it's your turn to dikha batti si and bana dal video achhi si.